बेड़ा तर जाए। रानी खान ध्यान तो पहले ही सारी आतिशबाजी चलाती जे। चाचू आतिशबाजी चलाकी तेन ए दसी है कि वड्डा चाचू पहुंचने वाला है। मैनू ए दसो कि तानू किने दसे है? सानू इल्हाम होया है। इन्हां दी काली सुबानी वीरा जो कहंदे नहीं पिंड सजा दिता है। बकरे ते छुरी फेर मां मेरे खान वीर दा सदका होते। सदका पावें दे ले भाभी पर मेरे वीर नू किसे ने बुरी नजर नाल तकिया मैं ओदियां अखां ही काट देंगा। आसमानी हूर जमीन ते किन्ने सुट दिती है। मैं प्रेस रिपोर्टर हां। साडे चाचू दा फोटो लावेंगी ना? फिकर ना करो ताडे उस चाचू दा फोटो भी लावांगी ते ताडा चाचू भी नाल ले जावांगी इंशाल्लाह। रानी खान ने जेड़ा मारका मारिया है ओदी ताडे तो बाद पिंड नू ते पिंड तो बाद मैनू खुशी हुई है। विखना चाहदी सा एहो जे जिदार पुत्र किस मां ने जमे है। ओनू ऐस मां ने जमिया बेटी ते तरती मां ले जमिया। ओए छेती छेती बाहर आ जाओ रानी खान दी गड्डी स्टेशन ते आने वाली। मेरे इस्तकबाल इन्नियां गड्डियां ते इन्ने टांगे। भाई ओ सोनिया मैंने सोने कहने क्या? ओ मैं कोट मिठन जाना है। जा मैं रोकया। ओ तू चलना है? मैं चलना मैं टैक्सी हाँ। ओ मैं जाना कोट मिठन। तू जाना है? आहो। तो फिर आज पैदल ही जाएगा। आज टांगे वाला कोई ना गया सारे टांगे वाले शाह ताज का इंतजार करन डे ने बैठे ते मैं सुता इंतजार करन डे आए धुर फेटे मुंह ए मुंह जी जिते मारन डे हो। आए हो जाए मर्दा देते असी गाका असी ते खुसरा किराए ते लैंदे हैं कोई। चल साहब मैं तुम छड़ देना। आओ आ जाओ आ जाओ। ओ जवाना तेनू पहले इस पिंड च कदी नहीं वेख्या। लो जी बाबू जी शुक्र करो तुसी एनू कदे पूरा नहीं वेख्या। जे पूरा वेख लो ते टीरे हो जाओ। बकवास कट करया कर ते अपनी औकात ना भुलिया कर। ओहो जो कातर की केड़ी गल है इस धरती दा हर इंसान इज्जत दे काबिल है। साथ दे ली बाफड़ी ते चीका मर लग पई है गल सिर्फ गाल दी हद तक सी मैं भी हथ फड़िया अजमान दी हद तक जे अजमान दी गल है ते फिर मेरे नाल गल करो साईं जी ए मतलब है तेरा समरत भाई लब असि दसने आ ओदी जगह ते एनू ले जाओ आहो इन्हों नाल लै जाओ, ये बाहर के फंक्शन से बड़ा खुश रहिंदे ने। सरकार एक असी घरों डरे आए हैं तो तुसी सानू डराना शुरू कर दिता। बक बक बंद करो। अच्छा जी दो गल कर भाई। गल है वे कि शरीफा का घर नहीं कंजर का कोठा है। इस दिन की उड़ीक मैं सिर दे वाल चिट्टे किते ने ते कुड़ी नूं लम्मियां रकमां खवा के जवान किता है। जुमरत भाई, थाना मेरा प्यू, हथकड़ी मासी ते जेल मेरी मां, इन्हां तिन्हां दे बगैर मेरा दिल नहीं लगदा। ते चौथी तेरी धी है जड़ी मैनू पसंद आई। ए ले रकम। कालू, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे लिए थोड़े जे नीला थोथा लिया। नीला थोथा खा के मरन दी की लोड़ है? जे मरना ही है ते किसे मेरे वर्गे मस्कीन ते मरो, किसे गरीब दा भला ते होवे। पर बंदा ते गैरत नाल ही मर जांदा है। ए मेरे वाली वेखो, चंगा भला तमाशबीन बन के तुहाडे घर आया सा, घर दी एक एक चीज बेच के तेरे खानदान नू खुआ दिती है, पर कोई असर नहीं होया। आखिर इत्थे नौकर हो गया। हुण जेड़ा शोरा तुहाडा बचदा है ओनू मसाला समझ के मैं भी ला ला के खा लेना। की गल है भाई, मैं तेनू चंगा नहीं लगा। कमी है मेरे च, कैल्शियम की कमी है। जे बुरा ना मनाओ ते गैरत की भी कमी है। बकवास बंद करो। अच्छा जी तुसी शुरू कर लो। आखिर चाहनी की है? सिर्फ इज्जत। जेदी इज्जत दे बैर मैं पै जाऊं, उन्हें कोई इज्जत नहीं दे सकता। कंजरिया नहीं, तेनू कुछ नहीं कहना। इस थप्पड़ का जवाब तेनू अपनी जागीर च देंगा। इत्थों लैके मेरी जागीर तक कई थाने, कई मसीदा, कई नाके आएंगे। तेरे बल देख के हर कोई मुंह मोड़ लवे। अपनी सदा आप सोच नहीं। छोड़ दे मैनू, कुत्ते के मैंने छोड़ दे। हाय हाय हाय, ओहो ये कुड़ी नू किथे खिंच के लै गया चौधरी साईं अख्तर। कोई गल नहीं, मैं भी ये पिछे हाँ, पर मैं कोई ज्यादा पिछे नहीं रह गया। ये भी कोई गल नहीं, बंदा पिछे भावे रह जाए पर ओदा पिछा पक्का होना चाहिए। क्या सीना, तेरी कोई नहीं सुनेगा। मेरी शक्ल देख के पुलिस दौड़ गई। गैरतमंदा ने मुंह लुका ले। जे हले भी तेनू किसी मोर्चे की आस है ते फिर इस जमीन तो लैके आखिरी हद तक तुम फरियाद कर सकनी है। ते फिर मैनू आजाद करके देख, तेनू बहुता सफर नहीं करना पेगा, क्योंकि धरती एक बगैरत जमे ते सौ गैरतमंद भी जमदी है। 10 दाया 100 गैरतमंदा की गल करनी। इश्क भी सामने आ जाए तेनू भैन क्या छड्डांगा। छड्ड दे इनू। किसी ने युआना ते किसी ने बचाना, ना ही कानून ने ते ना ही किसी गैरतमंद ने। हैरान ना हो, मैं तेनू पहचान लेता है। तू मैनू जानना है? शराफत नू कौन नहीं जानता, पर मैं ते एक तवाइफ हाँ। दुनिया दी किसी औरत दे मत्थे ते नहीं लिखिया कि वो तवाइफ है। तू सिर्फ एक औरत है, ते औरत काबिले एहतराम होंदी है। सबूत विच तेरा सिर कज के दोसे ने तैनू तैनू अपनी भैन मन लेता है। जे मेरा कोई तेरे जिहा हैरतमंद भरा होंदा ते अज मैं तवाइफ ना होंदी। जे तू तवाइफ ना होंदी ते तेरी इज्जत बचाने की खातिर तेरा भरा भी मेरी तरह डाकू बन जाता। क्या भैणा दे भरा डाकू होंदे ने? जिस दौर विच भी दरियाए फुरात ते यजीद दा कब्जा होया है, या ज़ैनब बेबस होई है, या हुसैन शहीद होया है। जदों बेगैरत बाख्तियार हो जान ते पैणा दे वाल होना दे हथ आ जाते नहीं, ते जदों मेरी पैर दे वाल होना बेगैरतां दे हथ आए ते मैं बंदूक चुक लई। कानून मेरे पिछे लग पिया ते मैं अपनी भैन दी कबर दे आसे पासे फिरदा, कानून तोड़दा तोड़दा हर रोज बेगैरत लई डाकू बन गया। जेड़ा तेरे जी बेबस दे पिछे दौड़ उठदा। इस बेबस दे पिछे सब तो ज्यादा दौड़ भज मैं कीती। इस दौड़ भज च कुछ लभा ही? एक भरा लभ्या है। ते फिर अपने रब दा लख लख शुक्र अदा कर कि जे भरा भी लभा ही ते गैरता वाला लभा है, जिने तेरा सिर कज के ते तेरे जिहियां लखा भैणा दे हौसले बुलंद कर दिते। जे तेरे रहण लई कोई जगह नहीं ते फिर तेरे भरा दा ए ठिकाना हाजिर है। इनू दोजख समझ पावे जन्नत। मैं तेरे पैरां दी बेड़ी नहीं बन सकती वीरा। तू बस मैनू इन्ना यकीन दिवा दे कि मैं शरीफां दे विचकार इज्जत की रोटी खा सका। तू जिस रूप विच भी चाहे सिर चुक के फिरदी रहो, ते जदों भी कोई बेगैरत तेरा सिर नंगा करने की कोशिश करे ते तू अपना दुपट्टा आप लाव के हवा दे मोढियां ते रख दई। तेरा भरा ओ की गल है जवाना, तू तो मुराकबे च चला गया है? ऐ ते सुता पिया भी टुर पैंदा है। तेरा ना की है? मेरा ना रानी खान। अच्छा, ताड़ा ना रानी खान है। कभी रानी खान का साला वेख्या जे? ऐ वेखो ते ऐदी हकीकत तुसी आप लभ लो। फिर ओही बकवास, तू ओही फौजी है ना जिन्हें बड़े नाम लिते ने तू खोने ने। लो बाबू जी, खैरो मोर्चे ते तुसी फतह कीते ही कीते ने। मैनू लगता है कि ये मोर्चा भी तुसी फतह करो ही करो। ओए, तेरे इस्तकबाले ते पूरा पिंड सज रहा है। हो जाए। जिदी शकल वेख के शीशे टूट जान, जिदी आमद सुन के पहाड़ा दे पत्थर हट जान। ओदी बकी दी कहती सुन के पूरा कमिया दा पिंड नचता रहा है। की समझा पिंड वाले अन्ने ने या बहरे नी अन्नी ते तू है, तेनु दिसदा नहीं मेरा वीर दी खुशी पूरा पिंड नच रहा है। शट अप, तेनु शायद है नहीं पता कि जिस जमीन पे तू खड़ी है ओदी मालकन मैं आं। जे तेरा सिर मेरे पैरा ते ना आया ते बाखुदा तेरे ओसे वीर दिलाश तेरे मोढ़े ते रख देंगी जिदा तुसी जश्न मना रहे हो। निक्की जी गल नू एडा वड्डा हादसा ना बना बेटी। ऐ वेख मैं तेरे अगे हाथ जोड़ना। ना ही असी एडे नीच बुढ़े दी बेटी हो सकने आ ते ना ही तेरे जुड़े हाथ वेख के साडा गुस्सा ठंडा हो सकता है। एक एक कोलो हिसाब लवांगी ते ठंडो तो पवेगी, जदों ताडा नामो निशान मिटा देंगी। चलो घबराण वाली कोई गल नहीं। जिन्हें सब तो उच्चे महाज ते झंडा नीवा नहीं होने दिता और साडा सिर भी नहीं चुकन देगा। साडे पुत्र रानी खान आन दे वो बल दी अग नू बुझाण ले आप हाकिम कोल पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये अनहोनी होते नहीं सकती। हां दो ही सूरतां ने, या तो तेरी दहशत नाल रस्ते च डिग पए होंगे या पागल होंगे पागल। ए खुशफहमी तुहानू हो सकती है, मैनू नहीं। मैं पिंड दे हर चेहरे ते तुहाडे लई नफरत ते हर इंसान विच सूली ते चढ़न दा हौसला वेख्या है। और की देखना चाहनी है तू? पिंड नू अपने ना ते पिंड दे हर बंदे नू अपने पैरां च वेखना चाहनी हां, ताकि मैनू यकीन होवे कि कोट मिठन दी मालकन मैं हां, सिर्फ मैं। किन्ने सिर किन के आई हैं? सारे ला देंगे पिंड नू कब्रिस्तान ते कब्रिस्तान नू विराम कर देंगे ते मलबे दे ढेर ते लिख देंगे इत्थे शाहताज नहीं ताज महल बनेगा। बोलन ते करने च बड़ा फर्क होता है। मैनू तुहाडे इस दावे ते अमल चाहिदा है ते होने चाहिदा है। रुक जाओ बेटा साईं, निक्के जे पट नू फोड़ा नहीं बनाईदा, फोड़ा अक्सर नसूर बन जाता है। वाह दादा साईं वाह, मजूर हुंदियां ही मौलवी बन गया दादा। तैनू पता नहीं थाना साडा प्यो, हथकड़ी मासी ते जेल साडी मां। लोकी रोटी खा के सौंदे ने, असी बंदे खा के सौंदे हां ते तू हर वार साडा नाटक लैंदा है। सिर्फ इसलिए पुत्रो कि मैं ताडे तो बेहतर जानना वां। गोली वड्डे नां नू नहीं हमेशा निशाना वेखदी है। तेरा कसूर नहीं अब्बा साईं, इस उम्रे बंदे दा सिर्फ बाउजू रहण नू जी करदा है। तुसी जाओ। अब्बा साईं ऐ जियो जिदे छोटे पुराने मैनू पूरे पिंड दे सामने बेइज्जत कीता है। पहले वेखण ते दियो कि पागल जीन बोतल चो बाहर किस तरह आ गया है। जिस पानी की गहराई का पता ना हो छाल नहीं मारी दी, नाले ना बंदूका चते 12-12 गोलियां पैंदियां ने। ते मैं अल्लाह की रहमत नाल 101 गोली खा के तुहाडे सामने सलामत खलोता वा। ते मैं इत्थे तुहाडे कोलों माफी मंगण लई आया वा। पर मेरी बेइज्जती सरेआम होई है। मैं भी सरेआम दस के आया वा कि माफी मंगण जा रहा वा। ते फिर साडे पैरां सिर चुका के पिंड खाली कर जा। एक सिर पीर नू सीधे रस्ते ते पांडी मैं अपना सिर चुका दिता है, पर दुई बार सिर दी छत ना मंगी, इसलिए कि जुल्मे जुल्म ते मैं कदी जुल्म बर्दाश्त नहीं कीता। तू फिकर न कर, ए शिकार तरसा तरसा के, दुड़ा दुड़ा के, ते तड़फा तड़फा के करांगे, फिर स्वाद आएगा। मेरे बंदे तेरे कोलों मुर्गियां लेना आए सन, पूछ सकनी आ तैनू इनकार दी जरूरत किस तरह हुई? गल सुन कुड़िए, जे कुकड़ खान दा इन्ना ही शौक है ते फिर ए टांगा वेच के एक मुर्गी खाना पा ले। ए मुर्गियां मेरे यार रानी खान दे आन दी खुशी च पक्कन जा रही ने। इत्थे तोड़ दिता है ते ओदी खुशी ओदे घर जाके बर्बाद करांगे। चलो काश ये औरत ना होंदी ते ऐसे था ते इनू मुर्गी बना देंदा। इन्हें तो साडा बेड़ा गर्क कर दिता है अच्छू, ते इना नुकसान नुकसान ते दा प्यो भी पूरा करेगा। मैं होड़े रानी खान नू लैके थाने जाना वा। साढ़े इस थाने का कमाऊ पुत्र सिर्फ दोसा डाकू है, और कहीं कारतूसा के पैसे जरा बता दे, इसलिए कि पहले हराम खाना गैर कानूनी सी, हुन जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जनाब अली, महंगाई बड़ी जबरदस्त हो गई है। मैं सवेरे हवालदार नू आलू लैने से भेजा ते दुकानदार ने उन्हें आलू 18 रुपए किलो ते मिर्चा 100 रुपए किलो दी। मोहम्मद खान थानेदार बनने की कोशिश कर, मरासी बनने की कोशिश ना कर कि आलू की तुसी कौन हो? असी शहताज के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने आए हैं। कि हकम साई नहीं थी शहताज के खिलाफ पर्चा, इसलिए कि उन्हें मेरा मुर्गी खाना तबाह किया है। आग मुर्गी खाना, कबूतर खाना, पागल खाना। क्या किया? मुर्गी खाना तबाह किया है। मोहम्मद खान जनाब अली इधर आओ। दहशत गर्दी इन्होंने दोनों की गिरफ्तारी से पाओ। तो गणगी जाओ गटरे जिदे विच ताजीरा ते पाकिस्तान का तकदस हर रोज पमाल होंदा है। मैं तेरा मुंह बंद करना अच्छी तरह जानना। सॉरी मेरे दोस्त, ये सोच के जफी पाले कि आज तो बाद हर पासे कानून आइन ते इंसाफ दा राज होएगा। आमीन। पर सब तो पहले तुम यह दस कि मेरे दोस्त का नुकसान कौन पूरा करेगा ते कदों पूरा करेगा। कान खोल के सुन ले इंस्पेक्टर, 2 दिन के अंदर अंदर मुर्गी खाना आबाद, तेरा नुकसान पूरा ना होया ते वर्दी उतार के कर दफा हो जाए। ठीक है सर। उनते जफी पाला मेरे यार, चल मैं करना चाहिए, ऐसे बहाने घर वाले ने भी मुलाकात हो जाएगी। चल चलिए। मोहम्मद खान जी। जनाब अली, तो कारतूस देने तो बाद भी कह दी कि जो अपनी दहशत बरकरार रखनी चाहता है ते तारे वाली बराम मेरे नगर ला दे। और तेरे एसपी दे सिर ते लोहे की टोपी है, एक विच सरिया है या वो आप बेहयात पी के आया है जेड़ा 2 से 10 सिर मंगता है। ये तो मैनू पता नहीं जनाब अली, लेकिन उसका अंदाज तो अख की लाली ये दस रही है कि जो कुछ वो कह रहा है उहदे ते अमल जरूर करेगा। करता रहे अमल। कह दें अपने इंस्पेक्टर नू 2 से 10 सिर मंगण वाला अपनी मां तक नहीं पहुंचेगा। मां जी, इधर तो देखो कौन आए ने। मैं एक दोस्त ही नहीं राजी दी मानू सलोट मारना वा। जिंदा रहो पुत्र। ओ एसपी जे अपनी इज्जत चाहना है ते भाभी नू 2 हाथां नाल सलोट मारी, 2 हाथां नाल। मैं जानना वा यार, ए रानी खानू अपनी मां तो वध प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार रानी खान, मैं जदों भी इन्हां बच्चियां नूं देखदा वां मैनूं लाला याद आ जांदा है। मैनूं ओह ते नहीं भुलदा जदों लाले नूं दिल दा दौरा पिया सी। ओह दौरा इन्ना खतरनाक सी कि ना बच्चे नूं हमेशा लई यतीम कर गए। इसलिए ना बच्चे नू कदी एहसास ना होवे कि यतीम हो गए ने। मेरा दुख लेके बह गया है, मैनू छट। तू अपनी सुना, तू ठीक है ना? दोसा डाकू ओदा सिर लान लगते मैं इस इलाके का चार्ज ले आए। नहीं बाजवा, एक कदला कोचवान अपनी सवारी न दे तो मैं अपना यार किवें दे दिया। ओ मेरा मुजरिम है मेरानी खान। पर तू मेरा यार है, मेहमान है। पर वो मेरे लिए आया। तेनू मेरी दुआ माओ की कसमी बाजवा, दुआ कदम ना चुकी। अज तक तू किताबा च पढ़िया या सुनिया होना, पर आज तू अपनी अखा नाल वेखेगा। 101 गोली खाण वाला 202 फायर करदा किवें वे। हौसला रख, तेरे यार ते चलन वाली हर गोली तैनू मेरे पिंडेश मिलेगी। एसपी बाजवा, ओ मेरी कण पिछे वे। 200 दी गोली 8 दीवारां नूं ढाण तों बाद भी ठंडी नहीं पैंदी। तेरे विचों पार होके अगे गई ते रानी खान जम्मन वाली मां डक लेगी। आहा, सदके जावां, एक मैं मान ले। आगे बच्चे ही मरेंगे। ओए डाकुआ, ये सारे मरन दा जज्बा लेके आए ने, पर मैं तेनू मारन दी कसम खा के आया वां। मेहमान भी मेरा है, ते मैदान भी मेरा है। पहले पिंज दा सन्नाटा वेख, फिर अपने सिर ते राइफला दा साया वेख, ते सिर झुका के चुप करके पां फड़ के ते एसपी नू बाहर कढ के ले आ। जा 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 जा। एसपी मेरे मुल्क दा कानून है ते मेरे मुल्क दा कानून डाकू दे हत्थ नहीं आ सकता। अज तो कानून दे नाल ले, पर याद रखे एक दिन ये होई कानून तेरे पीछे होवेगा। पीछे होवेगा तेरे होई कानून ते तू आगे लग के दस रहा होवेगा। ते फिर तू फैर खोल दो सिया। नहीं, मैं कदी नहत्ते ते वार नहीं कीता। जा अपना असला लेके सामने आ जा मेरे। बंदूक भी तेरी होवेगी, गोली भी तेरी होवेगी, ते गिरेबान भी तेरा होवेगा। तदे ते पिंड पिंड तुम पवेगी कि किसे मां दे घर रानी खान जमे। ए प्याई मेरा असला, जे तू सिर्फ इनू चुक लवे ते मैं अपने हाथ खड़े कर लवा। चुक के ते वखा। दस्सी ना कि मैं बंदूक नहीं चुक सकता। वेख रहा मैं चुक लिए। मैं भी कभी किसी ने हत्या ते वार नहीं कीता। अल्लाह फड़ अपनी गन तो वापस टुट जा। नहीं, मेरा यह असला तेरे को उदों तक अमानत रहेगा जदों तक तेनू इस गल का एहसास नहीं हो जाता कि मेरे जे दो से मावा नहीं जमदियां। मैं पैदाइश ही दोसा नहीं। ए निजाम गलत है, मुआशरा गलत है। जेड़ा जेड़ा दोस्तियां नू जन्म देंदा है। मैं जा गया, पर गल याद रखी, ए पुलिस कदी किसे भी यार नहीं होंदी। खबरें की गल है, दिले क्यों कह रहे हैं कि सुबह का पुले शाम नू घर वापस आने दे बहाने लभ रहे हैं। तेनू नक दी सेहत ते चलन दा एडा ही शौक है कि अपने लिए कोई नवा रास्ता बना लै। जीप चो कट के मेरी गड्डी दे पिछे बंद हो। ओए ओए इस कुड़ी वाल बदलने की कोई कोशिश ना करे। ठहरो, हीप दा मामा आया जे, पहले इनू ते पूछ लो। ओए तगड़े हो जाओ। ध्यान ना लड़ी, तेरे स्पेयर पार्ट बड़े नाजुक ते कीमती ने, ए ते कबाड़ खाने भी नहीं लबने। कर लेना हूं साडा वेख अला मरदूदा। ओए लाल काफरा, चंगा भला शरीफ आदमी है, ए घोड़े की जुत्ती लाउन लगा है तो पहले नंगे पैरी खलोता है। तेरा की मतलब है हुण घोड़िया भी जुराबा पवा के रखिए। उधर पाओ जरा। अला लाल काफरा, चुदरानी जी ये मुंह ना लगो, ये तो तवायफ जे ते नाले थोड़े भरा छीमे दी जिद भी जे। ते फिर मेरे वीर दे वार दा इंतजार कर, ते ओ बंदा लभ के रख जिन्हें तेरी इज्जत दा बारिश बनना है। सिर चुक के रख, तेरी इज्जत दे वारिस दा ना रानी खान है। रानी खां पर मैनू कबूल कर लेगा जे मेरे कहते हो मौत कबूल कर सकता है ते हो जिया मशूक क्यों नहीं कबूल कर सकता। खुशियां मना ते यकीन रख, फैसला मैं कीता है ते अमल करन लई मेरा भरा आप तेरे पीछे आवेगा। लो जी तुसी हुण खुशियां मनाओ ते मैं जरा दाढ़ी मना ला। कट जरा कट वे चूड़ियां भी बट वे मैनू था करा चिका मैं सारी सारी रात सोने नहीं हो काबू जे मेरे जज्बात सोने हमारा चिका मैं सारी सारी रात सोने नहीं हो काबू जे मेरे जज्बात सोने पर बच्चों तुहाडी चाची है। चाची दादी माँ चाचू चाची ले आया अम्मी जी चाचा चाची ले आया। मैं क्या तुहाडी तबीयत दा ते खैर पता है मुकम्मल आशकाना है। माँ जी दी तबीयत कैसी है कोई सख्त नहीं ए मेरा जीज क्यों है चलो असी भी क्यों खलो के जी जी कर दे रवांगे। कहना चाचू चाची ले ऐते चंद ने चंद ते ओ भी चौदवी दा है ते ए भी चांदनी है जी पर ए जरा चक्कर च फसया। मां जी ए तेरा इंतखाब सन पसंद आया पुत्र पर जिस कर दी गैरत दा नंगा सिर सूरज नहीं देख सकता ओ नंगी सिर क्यों खलोती हुई है। हालात दी उम्र केरी च इज्जत बचांदियां ना सिर ते छत रही है ते ना ही मुड़के सिर दी चादर मिली। मेरी चादर ते पैरां च ते अपना दुपट्टा ते सिर ते रख के इनू यकीन दवा दे कि इत्थे इनू कुछ होर मिले ना मिले इससे जरूर मिलेगी। नहीं है जुल्म ना करना तानू की पता होवे मेरा इस चादर ते पैर रखना ते एक पासे है इस धरती ते चलन दे भी काबिल नहीं आ। ओ क्यों क्योंकि मैं एक तवाइफ हूं। मेरे पुत्र ने तैनू अपनी इज्जत बना लिता मेरी धी ने तेनू पापी कह दिता ते मैं तेनू अपनी धी मान लिता फिर तू तवाइफ किवें हो सकनी है? सिर उच्चा रख कुड़िए, जे हाली भी तेनू अपनी इज्जत इच कोई शक रह गया ते फिर पिंड दे चौकी चा जा। सारा पिंड तेनू ती ना कवे ते मैनू रानी खान दी मां ना आखी। ऐ कम फेर कर लेना, पहला छेती नल जा ते जमीन दी रजिस्ट्री लैके आ। वो बाहर हाकम साई आ गया जबरदस्ती अपने नाल आ। छेती कर, इस तो पहला फैसल आके कोई नवा चंद चढ़ावे। ए मुसीबत टाल दे बख्तावर, छेती रजिस्ट्री लिया। इत्थे रुक जाओ माँ जी, हाकम अली इत्थों खाली हाथ जावेगा। नहीं पुत्र वे, चौधरी ने जिन्हें भी जमीन नहीं दी उन्हें उस जमीन के वारिस मार दिते ने ते मैनू जमीन नहीं पुत्र चाहिए ने। इन्ने सख्त ऑर्डर लेके क्यों आया तू? असी अपने ऑर्डर दी वजह नहीं दसते, ऑर्डर दी तामील चाहने। जालिम तो जालिम हुक्मरान में सजा देने तो पहले सजा दी वजह जरूर दस दे हाकम साईं। ए मैं नहीं, मेरा पुत्र भी पूछ दे कि सानू बेजमीन करन दा हुक्म क्यों जारी होया? ए ख्वाहिश साडी धी दी है, केस पिन नु मलयमेट करके इथों लेके कोट बिटन तक सड़क चाहिए। सड़क बनाने लई बलडोजर ते बलडोजर चलाने लई तानू बेजमीन करना जरूरी है। ओ नहीं, ए साडा हुक्म है, जा ते जाके रजिस्ट्री लेके आ। जे मैं रजिस्ट्री देने तो इनकार कर दिया ते फिर तू सोचा किस तरह माई ते हाकम साईं दा फैसला बदलिया भी जा सकता है। मैं सिर्फ एक कोई गल सोच के इनकार कर रही हूं हाकम साईं के चढ़ी रात कबर इचे वो बाहर नहीं आ सकती ते चढ़ी बाहर वो कबर इच नहीं आ सकती। जदों गोलियां दी बारिश शुरू हुई ते छोटे बड़े संभाल दी मर जाएंगी बुढ़िए। वे 15 राइफलों में सिर्फ 135 गोलियां होंदियां ने ते इस पिंड दी आबादी 5000 कोलों भी वध दे। ते तेनू जमीन देने तो इनकार ओ मां कर रही है जिन्ने रानी खां जमिया। ते रानी खां होवे जिदे जिस्म विच 101 गोली खा के भी ना डिगण दा हौसला है। तेरी हिम्मत ते हौसले दी हद वेखण लई कुछ दिन असी भी सोचने आ ते कुछ दिन तू भी सोच ले। मुड़ के आया इस पिंड की आबादी का अंजाम सोच के आवांगा। चलो मुंडियो। मेरे मालिक अपने हबीब दे सदके मेरे भरा नूं तत्ती हवा तो भी महफूज रखी। ओदी बीवी वास्ते भी दुआ मांग ले। उस भाभी लई भरा तो पहले दुआ मांग लई। रानी खान दी तेनू भाभी नजर नहीं आई? मैं तेरा मतलब नहीं समझिया। तेरे पिंड आगे कोट मिठन मेरा दुश्मन बन गया। लोकी मैनू तेरे नाम दा ताना दिंदे ने। हुण मैनू दस मैं की कहां? चंगा जिहा वेख के कर ले। चंगा ते मेरे लिए तू ही है। सानू मार दे ये साडा बन जा। ओ एनू की होया जे? उन्होंने छड़ ते फौरन हां हां कर। मैं जाके लौंग च नंग चमकावा नहीं ते बददुआवां दवांगी तेनू यारवी शरीफ वाला चुके। ओ तेरा बेड़ा तर जाए, जा जाके लौंग च नंग जण वाला। Para पट्टिया राजा छट गया तख्त हजारा। देखे दिल ललसा हो कर दे पार उतारा। जुबान लाने इन्ना टाइम नहीं लग सकता। किसी का सिर का मांग ना सोनी अपनी सिरा की खैर मंग वैर ते व्यापार ही डुबिया है बंदा नस्लों तक डुबिया रहा है। हाय बुढ़ापा हाय 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 नी इथे लंडे का चौधरी कौन छट गया है। ए बुढ़ी बिज अंदर किने पेची है हाय 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 ये तेरा कख ना रहे। हाय मैनू बूढ़े बिज कह रही है, मैं ते तेरी दाई आ दाई आ दाई आहो। नाले जदों तू निक्के से ना ते मैं तेनों बड़िया पप्पियां कीतिया सन। एक पप्पी मैनू होन भी दे दे, मजा एक होर दे दे। की मन मक्खी वांगू चिमड़ गई है, पर अमर एक पप्पी होर दे दे। पर अपना बुढ़ा हूँ एक और। लगता है अब्बा साई आ गए। नहीं भाई बहुत ही पहले वेले आया है अब्बा साई। साढ़े वाले इसरा दूर के ना वेश आज साढ़े खालिया थान दी वजह अब्बा साई है। अब्बा साई ना रोक दो ते दुश्मन दी लाश तेरे कदमें चांदी। अब्बा साई हाँ शाहताज ये सारे सही कह रहे ने। तेनों एक हफ्ता होर सिर चुका के जीना पड़ेगा। हाय 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 ए तू की कह रहे बाबे? हाय ए किसी दी कहानी हो गई है क्या? अब्बा साई मैं अपनी जिद पूरी किए बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। सब दिन किले गुजार लवा। मैं जा रही हूं ते 7वें दिन उस फौजी दा सिर इस छत ते लटके नजर ना आया। ते याद रखना अब्बा साई मैं प्यो बदलांगी। शाहताज प्यो बदलन दी गल ना कर। तू छिया भरावां दी कल्ली भैणे था मार देंगे। मैं ते कहना तू भरावी बदल ले कुड़िए। माई काम दे ना कार दे दुश्मन ना दे माई माई। अब्बा साई तेरी सियासत ने सानू बर्बाद कर दिता है। सियासत के चक्कर तू बाहर आ जा। दुनिया दे इस बाजार सिक्का सियासत दा चलता है। मैं नहीं मानता नहीं मानता। सियासत बाजार विच भी सिक्का ताकत ही चलता है। ओए बेवकूफो तुहाडी जान दी कसम है। जिस दिन उस फौजी दी सजा सोच ली 7 दिन ते की 7 पल भी नहीं रवांगा। ओनू सजा ये सोच के देवी कि हाले ते कोने इस दुश्मनी ने घर की रजिस्ट्री नहीं कटी। तेरे कारी तेरी धी नाराज हो गई। हाय नहीं मैं क्या कुड़िए कोई मुंडा शुंडा भी फसाई के नहीं? फिर वही बकवास। हाय मैं बढ़ गई। मैं क्या कुड़िए हवेली तो बाहर आ गई। तू अपना लिबास भी बदल गई। असली लिबास ऐसी तरह बदल गया। तेरे पटानू की होया? डोंट टच मी। अंग्रेजी की मार मार रही है मेरी जान। जे तेनू मेरी गल बुरी लगी है ते मैनू माफ कर दे। पप्पी जम्मो मन मैं क्या किथे चली है? मैनू कल्ला छड़ अपनी गुफ्तगू बंद कर ते गड्डी को थले उतर। ओ मैं कहनी है तू भी अंदर ही आ जा। बड़ा मजा आ रहा है। मैं कहनी बाहर निकल गड्डी चो। ओ मैं क्या अंदर ही आ जा। अंदर दी गल अंदर ही होनी चाहिए। तू बाहर निकल आंडी हट बैठते जा। तू अंदर आ जा निकल। अच्छा आंडिया ए भर फोन दस फोन बोल। बड़ा बोलती से ओ की करनी है तेरी भाई नु मार। तू उतर मार। हाय 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 ओए और ते गल खुल गई। तेनू केड़ा मुंडा फसाना चाहिदा सी ए तेनू मैं दसना वा। ओ मुंडा मैं कोट मिठन दे सब तो नीच इंसान। ना 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 मैनू नीच ना कहीं। ऐस लई के कोट मिठन दी नवी नस्ल एदे चों चलनी है। शट अप यू शट अप। दुनिया दे हर इंसान दा आगाज मिट्टी अंजाम मिट्टी। मेरे कड़का दे। एक ही बदतमीजी है, इन्हें ते घर जाके ला। इस जगह नु भी कारी समझ। मौत नालों महंगा मजाक किया है तू, अपने अंजाम लिए तैयार हो जा। तू अंजाम लिए तैयार होने का कह रही है? और मैं होने ही निकाह करना है तेरे नाल, होने ही। खुदा सानू हाले तक समझ नहीं आ रही, तेरे इस जुर्म की सजा होनी की चाहिए। एक मर्द लई इस तो बड़ी सजा और की हो सकती है? जे तू तो एक साल इच मेरे दो बाल जमेंगी, दो तो? आहो, जे तू कवे ते चार भी हो सकते। शट अप। ओ वेख ले, निकाले चंद गवाह चाहिए सन, ते ओ भी आ गए ने। इस्तबल चला चलो, ऐसी सजा असी उथे जाके सोचांगे। इनू इथे बंद दियो ते अज तो बाद ए डेरे दी सफाई करेगा। ते जदों सफाई तो फारग हो जाए, तेनू इना मारो के बेहोश हो जाए। एदे हाथ झाड़ू फड़ा दो, यो खाब की ताबीर है, यो यदि औकात है। मैं वेखनी हाँ कि इनू डेरे तो वापस ले जान कौन आंदा है। सानू यकीन थी कि तू 7 दिन दे इंतजार दा आदाब नहीं थे सकेगा। चंगा होया अज ही रजिस्ट्री ले आया। रजिस्ट्री किवें ना लियांदा बस आई, इनू साडी ताकत दा अंदाजा नहीं। मैं रजिस्ट्री देन नहीं, तेरे स्टबल चो अपना यार लड़ाया वा चौधरी हाकम। जे मैं हाले तक तुहाडे कोल अपनी बेइज्जती दा बदला नहीं लिता, तेनू मेरी बुलदली नहीं बर्दाश्त कदम चुका। ते मेरा यार मेरी कण के पिछे आना चाहिए। ओए जाने की कह रहे हैं? तेनू कह रहे हैं, किथे खलो के कह रहे हैं। मैं दुनिया के सब तो वड्डे मोर्चे ते झंडा लाया, ते तुहाडे प्यो की पाण पत सिर्फ 6 फुट उची है। रानी खान, सिर्फ इना याद रखी, खाना साडा प्यो, हथ कड़ी मासी ते जेल साडी मां। जेड़े जीवन दे भाने लभन, ओ रानी खान नहीं मार सकते। हाली भी वेला जी, इहदे नाल सुलह कर लो। नहीं दादा साई नहीं, जे अज साडे घर ना आया हुंदा, असी इनू इथों जिंदा वापस नहीं सी जान देना। बस बस हम साडा राह ना टकरा दादा साईं। अज असी अपनी हवेली दा सारा असला रानी खान दे सीने च उतार देंगे। जाओ ते सारा असला ले जाओ, पर याद रखना वापस उदों आना है जदों रानी खान दी लाश तुहाडे मोढ़ियां ते होवे। जाओ। साडा प्यो, हथ कड़ी मासी ते जेल साडी मां। इन्हां तिन्हां दे बगैर साडा दिल नहीं लगता। अच्छे दे नाल ना तेरा सारा खानदान। असी दफन कर निकले आ। ए ते कबर इच खुलन वाले कफन दे बंद दसन गए कि जनाजा किदा उड़दा। ए रानी खान नहीं नहीं, अच्छा सुट दे पुत्तर होए, नहीं ते तेरे बुढ़े पियो दे साह टूट जाएंगे। नहीं मियां जी, इन्हां नूं साडी शराफत रास नहीं आई। अज मैं इन्हां नूं दसांगा एक शरीफ सोबत माशा ते पारा हुंदा। ओए तू प्यो दा नाफरमान बनेगा ऐते मैं कदी सोचिया भी नहीं सी। तेनू मियां जी दी कसम है, हथियार सुट दे हथियार। जे तुसी हाली भी पास नहीं आना ते असी ए पिंड ही छड़ देने हां। जान ते इज्जत बचाना बदमाशी है ते फिर बन बदमाश। मेरे वीरा ने रानी खान की लाश भेजी है। चौधरानी जी, ए लाश थोड़े सके वीर दी ते नाले थोड़े लिए रानी खान का एक पैगाम भी है कि हवेली नू ताला ला के ते कोट मिठन के कब्रस्तान में बह जाओ। आज तो बाद तुसी सिर्फ लाशा ते लहू वेखना। लाश रानी खान में दस देगी कि इस धरती ते दूजी बार तूफान नू आन लगा है। नहीं। जा, असी तेनू रानी खान की बहादुरी दे सदके आजाद करने आ। हण दो ही सूरतां ने, या वीर मुक जाणगे या वेरी मुक जाणगे। ना तेरे विच अकल की कमी ना उम्र छोटी। एक पासे तू छोटे नु सिर नहीं से चुकन देंदा ते दूजे पासे आप सिरा नाल खेडन लग पे। बोल, जवाब दे, तुम ऐसा क्यों कीता? समझ लो माँ जी, ए जुर्म मेरी जरूरत बढ़ गया सी। जुर्म इंसान की जरूरत नहीं, ओदे लई जहर। पर कदी कदी ये जहर अपने हथी भी पीना पै जाता वक्ता पर। ते फिर दो कुछ साडे लिए भी लियाना सी चाचा जी। रब जानदा है एदे बाद किसी नहीं जी सकना। भैन दे दस्ते जे चौधरी हाकम अपने पुत्र दा हिसाब लैन बूहे ते आ गया ते फिर उन्होंने पाइजन तो वध लाशा दे के वापस भेजांगा। फिक्र ना करो माँ जी, जे वो बुरा वेला आ गया ते दुश्मनों ने मेरी अखा वेख के इंज लगेगा जिवें रानी खां बंदूक चुक के मैदान च आ गया। चाचू जी, बाहर फूले जाइए ते तानू ले आइए। नहीं, ऐसा सफर ते ना जाए। ऐस गड्डी दा कोई भी मुसाफिर अज तक वापस नहीं आया। नाश्ता नाश्ता तो नाश्ता। नहीं मां जी, तुसी हौसला रखो। नहीं हीरा, मैं तेनू नहीं जान देंगी। जेड़ी पतंग कटी जावे ओनू टेकना ही पैंदा है। हटो। बड़े अफसोस ना कहना पेरे रानी खान, तेरी गिरफ्तारी दे वारंट मेरी जेब च मौजूद ने। इस कानून नू तू पना देंदा से रानी खान। देख, जिस यार दी जिंदगी बचान लई तो अपनी जान तली ते रख के मेरे सामने सीधा हो गया से। अजोहिया तेन सूली ते टंगण आ गया रानी खान। और सूली का किस्सा तेरी गर्दन भी मंगता है दोस्या। मैं रानी खान तो पहला तेनू हथकड़ी लावांगा। रब दी सौ हाले तक ते कोई योजा पुलिस अफसर नहीं जमया जड़ा मैनू पिस्तौल सीधा करके थाने पहुंचा देवे। चला जाओ टिप्पणी, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा जड़ा मैं नहीं करना चाहता। नहीं दोस्या, ये मेरा यारी। मैं तेरा यार सही रानी खान, पर कानून किसी का यार नहीं होता। मैं तेनू ते दोसे नू सांझी हथकड़ी लावांगा। नहीं आए जे लान दुई वरी होया ते मेरे पूरे अगे यारी का जनाजा निकल जाएगी। इनू मेरा मेहमान समझ के ए वालों मुंह मोड़ ले। मैं तेरे इंसाफ ते कानून ते इतबार करके अपने आप नू तेरे हवाले करना। ए तू जिंदगी का पहला ते आखिरी गलत फैसला कर रहा है रानी खान। जिस शराफत की जिंदगी तू जीना चाहता है उस शराफत नू मैं दौड़दा वेखिया है। तू दौड़दा रहेगा, दौड़दा रहेगा, दौड़दा रहेगा। हाले भी वेला इन्हों मैं डक लांगा। तू नस जा, नस जा। नहीं दोस्तिया नहीं, मैं अपने मुल्क के कानून का एहतराम भी करना वा ते एतबार भी। बुकला की जिरा और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत मुल्ज़म रानी खान को अपनी सफाई में बोलने का मौका देती है। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जज साहब, मैं इस तो पहले भी बड़े कत्ल किए ने। इस तो पहले ना ही मैनू कभी कटहरे खड़ा किया गया है ना ही सफाई पेश करनी पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? ये होया जज साहब, बल्कि हो चुका है। मैं अपनी धरती मां की हिफाजत लई बॉर्डर से कत्ल किए ते तुहाडे कानून ने उहदे बदले च मैनू इनाम ते सोने दे तमगे दिते। पर जदों मैं अपने बाप की जिंदगी बचाने लई कतल किते ते कानून ने मेरे पैरों च पेड़ियां साढ़े कानून ने मैनू मेजर तो मुजरम बना दिता। जज साहब मुजरम बना दिता। कानून किसी औरे को नहीं देखता। किस कानून की गल कर रहे हो? कानून की सुन, जे थोड़ा कानून मौका वारदात से पहुंच के खाना बंद कर लवे, कोई कतल ना हो, कोई डाके ना पवे, किसी मजलूम की भैन की इज्जत न लुटी जाए। कानून का सारा सर मजाक उड़ा रहा है। नहीं सर नहीं, मैं इतने सच बोल रहा, साढ़े कानून की सलाह कर रहा। अपने अन्य कानून दखा तो रिश्वत की पट्टी खोल दो, ये देखना शुरू कर देगा। इसे कन्ना चो सिफारिश की उंगला कर दो, सुनना शुरू कर देगा। तेरी जबान तो झूठ का ताला खोल दो, सच बोलना शुरू कर देगा। जिस धरती से कानून देखता बोलता से सुनता है, उसे ना जन्म लेंदा ते ना मजरम। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हालात और वाकयात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरम रानी खान ने खून किए हैं, लिहाजा अदालत मुजरम रानी खान को ताजीरात पाकिस्तान ज़ेरे दफा 302 के तहत 20 साल कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। तेनू सजा छुड़ा के साढ़े इंतकाम नाल बहुत नाइंसाफी की है रानी खान। 20 साल दुश्मनी की अग च कौन सड़े, कौन? इसलिए असी अटल फैसला किया है कि अजी तेनू जिंदगी की कैद तू आजाद कर देंगे। थोड़ी देर लिए मेरी अक्कड़ियां खोले थानेदारा, कुत्ते बिले मारन तो बाद मैं अपनी गिरफ्तारी आप दे देंगा। पर कानून मैंने इस गल की इजाजत नहीं देता रानी खान। हुण मैंने तेरी इजाजत की कोई लोड़ नहीं। घबराए ना रानी खान, आज तकदीर भी तेरे नाल है ते मैं भी तेरे नाल आ। बचा लो डॉक्टर। तेन क्या सी ना, तेरी कोई रग जख्मी नहीं होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी शख्स जान पुछ के जख्मी नहीं होता। मेरी जान कर लो पर इनू बचा लो डॉक्टर। पैगंबर होंदी ते इनू आपे हयात पिया देंदी, खुदा होंदी ते इनू अमर कर देंदी, पर मैं तो इंसान हाँ। आखिरी दम तक दवा मैं करती रहांगी ते दुआ तू करती रही। है दुआ लई मैं केड़े केड़े तरते जावा। अहमद वाले शाह मोहम्मद वाज का सदके बीबियां पाक दर्द वाली बीबियां पाक दर्द वाली बीबियां पाक दर्द वाली शेर शाह वली रब दा प्यारा शाह जमाल दुखियां दा सहारा रब दा देन पैगाम फरिश्ते रब दा देन पैगाम फरिश्ते आंखें फजर अली हक अली अली मस्त कलंदर अली 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 हक अली अली मस्त कलंदर अली 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 हक अली मस्त कलंदर अली 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 हक अली अली मस्त कलंदर अली 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 हक अली 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 कलंदर अली 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 अखा खोल उधर ते वेख, रब ने तेरी कबूल कर ली है। मैंने यकीन सी रब मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। दुआ सिर्फ मेरी कबूल हुई है। अपने मुकद्दरां दा आखिरी ते अजीब मोड़ वेख। तब तद हर जिंदगी ते मेरे हाथ माफ। लेकिन ए मेरा क्लिनिक है ऑफिसर। लेकिन ए मेरा मुजरम है डॉक्टर। उठ के मेरे आगे लग के तुर पो रानी खान। आज कोई कानून कोई रिश्ता ते कोई ताल्लुक तेरी तकदीर नहीं बदल सकता। इसलिए इस वक्त तेरे सामने सिर्फ कानून खड़ोता है। ते तू भी है गल याद रख के अख ते कन गोली ते भी नहीं होंदे ते ना ही कानून दी खोपड़ी च कोई लैंटर होंदा है जिन्नू गोली पार ना कर सके। चलो रानी खान चलिए। गल कर मैं गलत नहीं सीखिया कि मैं इस दौर विच शराफत नू लुक दिया ते दौड़ दिया वेख्या। मेरे कहते जो उदो नस गया हुंदा ते आज इस तरह ते नाना नसदा ओ वी इनू ना लेके जरा एनू ते पुछ पुछ एनू कदी ए भी कोठे तो लेके इथों तक दौड़ दी आई सी। विच बड़े थाने आए बड़े नाके आए बड़े कानून दे रखवाले आए पर कोई कम नहीं आया कोई कम नहीं आया। दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती रही कोठे तो लेके दूसरे तक। रब जानदा है जे कानून दयानतदार होंदा ते अज दोसा ए दोसा ना होंदा जड़ा तेरे सामने खिलता है। मैं तेनू इत्थे इसलिए बुलाया मिस्टर बाजवा कि रानी खान नाल तेरी दोस्ती कानून नाल सब तो वड्डी दुश्मनी बन चुकी है। जे इंसाफ दे असूल कायम नहीं रख सकता ते इस्तीफा दे दे। की जानते हो सर ये जानते हो कि इन असूलों की खातिर मैं इंसानियत नूं तंग दिया। मैनू हर कीमत ते रानी खान चाहिदा है। खिलौते क्यों खिलो गए? माँ उधर तो वे कौन आया है? खैरे पुत्र, तो अज तू नहीं लग रहा। तू बोलता क्यों नहीं वीरा? मेरा दिल के अंदर दिए आज तेरा वीर नहीं वर्दी बोलेगी। हैरान ना हो तू एक मां के सामने खलोता है ते मां दी मेराज है वे के पुत्र ली मुसीबत आसमानों चले ते मां दा दिल जमीन ते डुबन लग पैंदा है। बोल, तेरे कानून ने इस कड़ी लई किस क़यामत दा ऐलान कीता है? तेरी जेब च इस कर दे हर फर्द दी गिरफ्तारी दे वारंट मौजूद नहीं। ऐस कर दे इतराम दी इंतहाए वे हथकड़ियां लाने वाले कर दे पार खलोते ते हाथ छोड़न वाला कर दे अंदर। ऐदा कसूर नहीं मां, कानून बेदीद होने तो पहला ऐसे तरह अपनी बेबसी का इजहार कर देने। एनु कुछ ना कहो बेटी, उतली खूबसूरत हो सकती है बाइख्तियार नहीं हो सकती। तुसी सारे ऐ सोच रहे हो ते मैं ऐ सोच रही हूं कि मेरे पुत्र ने मादरे वतन ले अपनी नस नस दा लहू दे दिता ते ऐ पुत्र अपनी मां ले नौकरी दी कुर्बानी नहीं दे सकता। ठीक है, सानू सारियां नू गिरफ्तार कर ले, समझ लांगी कौम ले पुत्र दी ते कानून ले सारे टब्बर दी कुर्बानी फर्ज बन गई सी। कानून के कहते में कौड़ा कुट पा लेता है। इन्ह सारिया थाने ला जाओ, लेकिन एक गल का खास ख्याल रखना, इन्ह की इज्जत एहतराम च कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? इज्जत एहतराम ला बुडनत करी इन्ह सारे तरुंदिया थाने ला चलो। गला करदा लग गया बुढ़िया। कंध पिंडो कड्डन दा आगाज मैं कर दिता है, लेकिन तुहाडी धी थाने जान तो पहला मेरे कदमां च अपना सिर रखेगी। जे साडे पैरां ते सिर नहीं रखेगी ते थाने जान दी बजाय साडी हवेली च जाएगी। रख दिती है, समझ ले रब नूं इहो मंजूर सी। पर अपनी आन कदे नहीं भूलते, बिल्कुल उस तरह जिस तरह धुप हर शय खुश्क हो जाती है पर पसीना कदी खुश्क नहीं होता। अंजाम तेरा गिरफ्तारी, ते अंदाज तेरा गोली खान वाला। पूछ सकना तेरे पुछण वाले दी ऐसी दी तैसी। और तू जिस देश का पुत्र है उस देश से कोई पुल के भी कंजरी नूं बैन कह दे तो उसकी इज्जत लई अपना सिर दे दिंदा है। तू अपने सिर की टोपी नूं उच्चा करन लई हर रिश्ते नूं थाने बुला लिया। ओ मेरी मजबूरी सी। मजबूरी हद तो ज्यादा बच्चा है। ते गलतमंद मर जाते हैं पर तेनू की कहना है। जड़ा इज्जत नाल जी नहीं सकता और इज्जत नाल मर के सकता है। रानी खान तो हद तो ज्यादा बढ़ता जा रहे हैं। जिथे तेरे इख्तियार की हद खत्म होती है तो मेरा इंतकाम शुरू होता है। एसपी टेलीफोन आईजी तो लेके इस्लामाबाद तक टेलीफोन ही टेलीफोन करके आना है। मैं तेरे कानून दी हर दफा तोड़ के अपने सारे रिश्तेदार ला जाने नहीं। मेरी जन्नत नू अपनी ताकत दा कंप्यूटर दी नहीं ते तेरा सिर ताकत खान लगाई। तू ये गल टिप्पणी हलाकू खान कह रहे। जे मैं तेरा दादा चंगेज खान ना बढ़िया ते मैनू रानी खान किने कहना है। अपने बंदे नू कहे और चार सुटन ना सुट दो और सारे नू आजाद कर दो। ना थाने महफूज ना घर महफूज ना चादर ते चार दीवारी महफूज। बोलो दोषे ते रानी खान कोलों इंसानियत दे खून दी कितनी कीमत वसूल कर दे हो। ये सिर्फ इल्जाम है सर। शराब सर सानू दोसा ते रानी खान चाहिए ना वो तानू मिल जाएंगे। ये मेरा तो अनल वादा है सर। थाणिया ते साडा कब्जा तकदीर साडे ताबे बंदे भी बेशुमार बारूद भी बेशुमार पर एक रानी खान साडे लिए हाले तक रोगे। जिन्हों इस जागीर का हर फकीर दुआ दवे उन्होंने एक फिरौन की बददुआ किवें मार सकती है। कि बेइज्जत होने के काबिल ते तू सै। रानी खान दी भैन दा ते सिर्फ सिर पैरा ते रखाया सी। तेरी गुत बट के ले जाऊंगी। तेरे जुल्म ते जख्म गिंदा गिंदा इंसान नद्दा बेजमीर हो जाता है। पर रब दी सौ आज तो बाद यासी गैरतमंद होने का दावा नहीं करांगे या फिर तू हर गैरतमंद की गुलाम बन के जिएंगी। अपनी गुथ आपे वड़ के मैनू दे दे। एक गुथ में कोट मिठन की सब तो उची छत टंगनी है। एक कमजर्फ हो सकती है पर असी बेगैरत नहीं हो सकती। पर इन्हें तेनू सरेआम बेइज्जत करने का ऐलान किया भाभी। पर असी इनू सरेआम हमेशा इज्जत देवांगे। जा चली जा कुड़िए, असी तेरे सिर ते अपनी गैरत दा पार रख दिता है। इनू चुप के टुरन दा स्वाद ही कुछ हो रही। तू दो कदम टुर के ते वेख। दौलत ते क्लाशन कोफ ते जोर ते जीण आला एक दिन तेरे वांगू कला रह जाता है। तू हमेशा इज्जत लाइए ते असी हमेशा इज्जत दिती है। जे सोचे ते एक फिरौन नू मुसलमान करन लई एहो ही काफी है। जे मुसलमान हो जावेंगी ते कोई ना कोई गैरतमंद तैनू अपने दिल दी मलका मन लवेगा। पर एक गल याद रखी, औरत तो ही मुकम्मल होंदी है जिहदी इज्जत दा वारिस कोई इज्जतदार होवे। इज्जत दा एहसास दिवाण वाला साडी इज्जत दा वारिस नहीं बन सकदा। और मैनू कोगू चाहिदा है। साडा अक्सर वास्ता पैदा ही रहता है। पर बाईस ग्रेड तू थले ना, तू पहला अफसर है जिन्हों इस छत हेठ खलोंदा शर्फ हासिल है। मैं तो गल सच्ची करना, भावें किसी नूं बुरी लगे तुसी गल दा मुख्तसर करो साईं जी। मैं नशे जां, पर मैनू नशा उस दिन होगा जिस दिन रानी खान दा सिर तेरी जीभ दे बोनटे होगा। ओदे खिलाफ बोलना बंद कर दे चौधरी हाकम। चौधरी हाकम, तू पागल ते नहीं हो गई है? मैं तेरा पीऊंगा। साईं, लगदा एवी नशे जे। अज्जी ते नशा लथा है मेरा ते पता लग गया कि शान ते अजमत नारे नमरूद टिगण आले मिलती है, सुटण आले नहीं। मेरे सिर ते रानी खान की परजाई की चादर वेख के रख दी आवाज नू कल्ला चौधरी हाकम। ते याद रख, जे तू अपने गलत असूल ना छड़े ते एक दिन कल्ला रह जाएगा, कल्ला रह जाएगा। शुक्र है छत हेठ कोई दूजा भी मुसलमान होए। तो यार असी ते आप मजार ते मंगन चले सा, ते तू साढ़े कोले मंगन आ गए हैं। खैर अल्लाह फड़, ते चल फुट्टा खा। चाचू चाचू, फकीर जान दी बचाए साढ़े बूहे ते बह गया। बाबा जी तानू खराब ते दे देती है, हुन होर की चाहिए जे? ओ यार, असी तेरे कोलों खराब ते ले लीए, पर तू साडे कोलों दुआ क्यों नहीं लेती? आजकल साडी हर दुआ अर्श ते जान दी बजाय साडे सिर ते घूम रही है। दुआ करो बाबा जी, साडी दुआ नू रब तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। आज मैं उस मजार तो एक शय जरूर लेके आऊंगी माँ जी, रानी खान दी जिंदगी या अपनी मौत। मौत ते हर एक ली अटल है, तू दा मुंह के भी मोड़ सकनी है। उठ के खलो जा रानी खान। ते तेनू एक किने कह दिता है पुत्र रूप बटा लेन ते मामा पुली पै जांदियां ने। एक थप्पड़ दे बदले 6 लाशां वसूल कीतियां सड़ में। शायद तेनू पता नहीं, थाना मेरा प्यो, हथकड़ी मासी ते जेल मेरी मां। जे यार ही ता, जे पराई ता, बाजा मार मार के बुला ले। आज मैं तेरे जोड़ 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 तेरे जोबन दा रक्त कट के चूसांगा। फिर अपने सिर ते चमकण वाले सूरज नू वेख वेख के अपने साह गिरदा रवे। मेरा पैगाम पहुंचण दी देर है, सूरज ऐसे थां ते गड्डिया जाएगा ते तेरे साह टुट जाणगे। हां ते फिर मेरे अगे लाके तूफानी मैं वेखूंगा वो किड़ा गैरतमंद है जिड़ा इस घोड़े ते बैठ के मेरे सामने आंदा है। पैगाम तेरा कफन बन के मेरे तक पहुंच चुकी है। रब दी सौ तुहाडे विचों ही बचेगा जिहड़ा मेरी भैण दे सिर ते अपने हाथों की छाप करेगा। अपनी पैन कह के इधर सिर से हाथ रख लो। रखो तू और ले जाओ इस गंद नो, ताकि दी हवेली दे हर बेगैरत नू पता लग जाए कि जिन्ना पैणा दे भरा जिंदे होंदे ने उन्हां वल कोई अख चुक के भी नहीं देख सकता। जबान ज़ेब ते नहीं देंदी पर पैणा दा पार उन्हां दे भरा सदा नहीं चुक सकते। जिन्नी छेती हो सके किसी गैरतमंद दी इज्जत बन के ब्याह कर ले। सैमा बिनते सरदार खान रूबरू गुआव दे तेरे निकाह विच दिती जा रही है। शर्त एदी इको ही है कि बच्चे दी पैदाइश तक तेरी बंदूक ते कोड़ा इनके कब्जे रहेगा। बोल तेनू कबूल है? कबूल है। हैरत है 2 महीने तो रानी खान की बंदूक खामोश है। मुल्क छड़ गया या मर गया? सर मशहूर कहावत है समंदर नू चुप लग जाए ते खौफनाक तूफान हुंदा है। तेनू मुबारक होवे रब ने तेरी भैन नू पुत्र दिता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब ने रानी खान नू पुत्र दे के साडे बाजू होर मजबूत कर दिते ने। ओए पुत्र की होया? प्यो दी बंदूक ते कोड़ा भी अड़ हो गया। याद रखियो ऐसे साथ खलो के मैं हमेशा तेरे लिए माफी के दरवाजे खोले पर तू हमेशा बंद कर देता है। आज तो बाहर तेरी जागीर जंगली जानवर फिर गए रानी खान कटेगा। ऐ चदर मेरी नहीं तेरी परजाई दी दिती हुई है। उन्हें मेरा नंगा सिर वेख के मेरा सिर कज्जिया सी। तू मेरे बदे हाथ वेख के तेरा प्यू बख्श दे। मैं तेरे प्यू नू नहीं उस पत्थर नू तोड़ लगावा जिदे नाल टकरा टकरा के कई मजलूम दिख पाए। ऐ पत्थर मैं पानी कर देंगी। मैं किस तरह मन लवा कि कोड़े किकरे चो खंड की मिठास मिलेगी। रानी खान मैनू पैदा करने वाले की कसम है, अज तो बाद मैं फिरौन नहीं फकीर बन के जियागा। आसमान तो उच्ची आन बान शान फुल के मैं पहली बार अपनी इज्जत तेरे यार दे ना करना वा। फिर याद रखी आकम अली, मैं इस जागीर के मालिक नू नहीं एक तीरे बाप नू छड़ के जा रहा वा। ना छड़ी इनू, ना छड़ी, कुछ नहीं हो बचना। ए बिच्छू ही मार दे इनू, मार दे नहीं तो मैं मार जाऊंगा। नहीं तो सर नहीं, ऐसे तो मेरे दरमियान सिर्फ पैन ही नहीं पैदा करने वाले की कसम भी है। तो मैं आज तक रब ते उदे रसूल की कसम खाने वाले नू कदे नहीं मारिया। आ मेरे नाल आजा। फैसल तू और चंगा होया तू मैनू इत्थे मिल गया, नहीं ते मैं तेनू एक खुशखबरी देण तेरे घर जा रहा सा। खुशखबरी? केड़ी खुशखबरी? तेनू मुबारक होवे, आज रानी खान ने एक सूर दा शिकार कीता है। सूर दा शिकार? इस इलाके ओए इस इलाके सूर कित्थों आ गया? ओए कोट मिठन दे मालिक तो वड्डा सूर होर कौन हो सकता है? ते रानी खान ने उन्हें इंसान बना देता है। वाकई? एदा सब तो वड्डा सबूत है वे कि उन्हें अपनी धी दा रिश्ता मैनू दे दिता है। तू जाके मेरे ब्याह की तैयारी कर। पर अच्छू यार, सब तो पहले ब्याह में अपनी भैन का करना है। हो यार ब्याह सब तो पहले असी भैन का ही करांगे। ते मैं अपनी मंजी नू अग ला दियां, तेरा ब्याह तेरी भैन का ब्याह ते मैं भंग घोटन दी जवान आई हां। करम करी मेरे मौला। ओ तैनू होया की आखर? सब तो पहले मेरा ब्याह होएगा, नहीं ते मेरा मंजा चुक के बलालगंज छोटा हो। फैसल इधर आ, ये तो मैनू पूरा 302 का केस लगता है। मंजी बंदे ने दो इको मंजी बंदे ने दो। छेती हो सकता है अपनी आखिरी ख्वाहिश दस्ते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह ए हुई वेला शहादत हुसैन रसी। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं नमाज पढ़नी चाहना वहां इजाजत है। डिप्टी कानून का फर्ज तो तेनू याद है, पर बड़ा अफसोस है क्यों उस कादरे मुतलक का फर्ज तेनू याद नहीं। जे मुसलमान रह के मरना चाहना है तो फिर अपनी गल समेत तयम्मुम करके मेरे पीछे सपा चाके खलो जा। पहले नमाज फर्ज अदा कर ले, फिर नमाज जनाजा भी अदा कर ली। सारे तयम्मुम करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु वल हमिदा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोसा रानी खान लैके सीधा अपने जंगल पहुंच गया होना ते हुण साडा उन्हां तक पहुंचना होर भी मुश्किल है। इक्को सूरत हो सकती है, वो की सारे जंगल च पानी सवाए दरिया दे किथे नहीं मिलता। जे पानी ते पैरा बिठाता जाए तो मैनू यकीन है 2 दिन के बाद हर डाकू मश खाती फड़ के साढ़े सामने आ जाएगा। वेरी गुड, ये पैरा आज ही ला दो। सारे की होया है? बच्चा क्यों रो रहा है? मीरा, कल तो पानी खत्म हो गया। ये परेशान होने वाली केड़ी गल है? मशकां खाली हुई ने और दरिया ते खाली नहीं होया। दरिया ते पुलिस का पैरा है। मेरा बच्चा बेहोश होना है ना, पानी ते ना ही मेरी छाती दूध दे। इंज लगता है कुछ देर बाद जिगर के टुकड़े को दफनाना पै जाएगा, दफनाना पै जाएगा। मेरे होंदिया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि बच्चे नू पानी ना मिलिया ते मैं पूरे जहान लई करबला बन जावांगा, करबला बन जावांगा। यकीन सी दोसे के प्यासा कुएं दे कोल जरूर आएगा। मैनू भी पता सी कि चारा पासे पानी आते तोड़े वर्गे यजीदा दे पैरे जरूर होंगे। दोस्या सानू हर कीमत ते तेरी ते रानी खान दी गिरफ्तारी चाहिदी है ते मैनू हर कीमत ते एक मासूम लई पानी चाहिदा ही चाहिदा है। इस पानी ते पैरा पुलिस दा है ते पुलिस को तेरे लिए सिर्फ बारूद है। दोस्या फिर तू बारूद चलाना शुरू कर दे डिप्टी, मैं पानी पड़ना शुरू कर देना। होया वीरा? घबरा ना घबरा, पानी मैं ले आंदा है, जा जा जाके बच्चे नू पिया, जा जा। पी लिया बच्चे ने, और तू भी पी ले, तू भी पी ले। मशक पे खाली है, कोई कल नहीं वीरा। पंडित की औरत नू मां दा मकाम बहुत घट मिलता है। रब कोलों पुछते सही, इस मासूम दा की कसूर है कि करबला दी प्यासे दे लई क्यामत बढ़ के आ गई है, क्यामत बढ़ के आ गई है। किस मुंह नाल पूछा, तवाइफ दी कदर तमाश पीन करदा है, तकदीर नहीं। तामन अमला तो खाली, त्वा असर तो खाली, ना मेरा बच्चा इस्माइल आटियां रगड़े ते आपे जम जम फुट पवे, ना अली असगर के दम दवे ते खुदा दम पर खुद रह जाए, ना मैं जैनब के फरियाद करा ते आसमान रो पवे। मेरे अमाल का खाली झोली ते खाली हथ, हिकमतकार औरत तेरी रहमत नू वाजा मार रही है। हो सके ते मेरा मां दा मुकाम बन के मैनू मां कहण वाले लई आसमान दा पानी सुट दे मेरा मालका, पानी सुट दे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह तेरा लख लख शुक्र है मेरे मालिका, तेरा लख लख शुक्र है। ते गजदे बदलों की बिजली जिदे सिर ते डिग के वापस टूट जाए, उन्हें रानी खान की एक गूंज सुन के ओदे यार नू साडी बहन का रिश्ता दे दिता है। मैं पूछना वा, ऐसी केड़ी मजबूरी सी? बोल, जवाब दे अब्बास साईं। मैं दसना वा, अब्बास साईं बुज़दिल हो गया, बुज़दिल। एदे कोलो बेहतर ऐसी कि तू कोट मिठन दे चौक खुदकुशी करके मर जा। दो बस आई, बस मेरे जख्मा ते नीमक छिड़क दे रहो, मेरे जख्मा ते। रब दी सौ, उस दिन तू लैके आज दे दिन तक मैं सिर्फ तो से ते रानी खान दी सदा सोचदा रहा मां। बस तुसी सिर्फ ये दुआ करो कि जिनी छेती हो सके मेरे सारे दुश्मन एक कोई थां ते इकट्ठे हो जान। जे एक एक देकार मैं ना पुआ दिया ते फिर मैनू अपना प्यू कहना छड़ देना, छड़ देना, छड़ देना। तेरिया अखा दे अथरू दस रहे ने मां कि तैनू सिर्फ अपने पुतानी खान दा इंतजार है। जे दुख जानना ते फिर इस दुख दा दारू भी ना लिया ना सी। जे दुनिया विच हर दुख दा दारू मिल सकदा ते इत्थे किसे इंसान नू मौत कदी ना आंदी। ओनू इस घर का हाल सुना के है भी दस दी पुत्रा के वक्त तेरी मां ते शामे गरीबा ले आए। आज तेरी मां भैन भरा ते परचाई हर वेले तेरे कोड़े दी राह तकदे रहंदे ने। या फिर ये भी कह दी सू कि जिथे एनिया गोलियां चलाइया नहीं एक गोली आके मां दे सीने विच भी मार दवे। इसलिए पुत्रा ये रोज रोज दे मरण नालो एक बारी मर जाना बेहतर है। पैन अपनी डोली दा कहार मंग दिए। डोली ते जनाजे कदी पै नहीं रहे मां। तू रस्मा दी इब्तिदा ते कर। मैनू यकीन है रानी खान सिर तली ते रख के जरूर आएगा। बिस्मिल्लाह कर मां। तेरे ती दे दाज विच साडे सारे दी दुआवां तेरे हर दुख दा दारू बन जाणगियां। जे ताडे सारे भरावां दी एहो जिद्द है ते फिर बुला लो जंज। जंजा ते साड़ी जागीरी पहले भी कई यार पर साड़ी मर्जी नाल आईया। आज पहली बार किसी ने साड़ी संगी ते नाव रख के जंग चढ़िए। आज एक भी बाराती जिंदा वापस तुर गया ते साड़ी आन का जनाजा उठ जाएगा। जनाजा फिक्र ना कर बाबा साईं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ना चंज लियान वाले ते ना ही चंज फुलान वाले। इस प्यो दे बारे की ख्याल है तुहाडा? ते जिन्नू तुहाडी भैन ने बुलाया है ओनू भूल गए हो? मैनू यकीन सी सब ने सिर चुकाया सी। जहर दी पोटली नहीं सी सुट्टी। रानी खान तुहानू माफ करने की गलती कर सकता सी पर दोसा नहीं करेगा। नहीं करेगा। थले ओए मुंडियो इना दा ओ हशर करो कि ना जी सकन ते ना मर सकन। इसलिए कि मैं इना नू रानी खान दे खानदान दा अखीर वहाना चाहना। हाकम साईं ना तेरे पुत्र दा खाब पूरा होने दिता सी ते ना तेरा होने दियागी। बाद इजाजत है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रानी खान दे ना पहुंचने की वजह तो समझ आती है, पर हैरत इस गल की है कि हाली तक दोसा ते अच्छू भी नहीं आए। लगता है तीन ही आ गए ने। परेशान क्यों हो गई है माई? खुश हो जा। जिमें मैं खुश हां। देखते सही कोट मिठन दा मालिक तेरे बुए ते तेरी धी ले किन्ने लाड़े लेके आया है। बस इस चौक ने इस तू पहले भी बड़े खौफनाक मंजर देखे ने। इथे मेरी धी दी बेइज्जती हुई, मेरे पुत्र दा खून होया। एक तवाइफ तेरी नस्ल तो नफरत करके तेरे घर दी नूं बनी, पर आज इन्हां चों किसी भी मंजर दा गवाह जीवदा नहीं छड़ांगा, नहीं छड़ांगा। ओए मुंडियो, तेरी बेइज्जती दे बदले रानी खान दी भैन, तवाइफ दे बदले रानी खान दी परजाई ते पुत्र दे बदले सारा पिंड कत्ल कर दियो। ओए बगैर तो भी जा ते याद भी रखें, क्योंकि हले रानी खान ने रुखसती दियां रस्में शिरकत करने लई आना है। चलो फरशल ने विखिए तो उला विखेगा। और हर कबर चो कोई आवाज आएगी, बस कर दे रानी खान, बस कर दे। जनाजा पढ़ने तो बाद कोट मिठन की तारीख का चुनाव चुकाऊंगा, कहते 100 साल तक कोई जय नहीं चलेगी। ओए पुत्रो, मिटा दो इस निशान भी। हर बार भूल जाते हो। ओए कंड कज्जों नाल जींदे होन ते कंड ते कदी वार नहीं हो सकता। दे पीछे लग के अपना वीर मार दिता, तेरी भी ऐसी दी तैसी। बड़ा झटका किता से डिप्टी साहब, तुम मार के पाकिस्तान पुलिस की इज्जत रख। हाकम साईं, मेरा पुत्र कितना है हाकम साईं। रानी खां, मेरा पुत्र रानी खां। गिरफ्तार कर लो इन्हें।